विरासत और जायदाद के हुकूक। अगर आप पाकिस्तानी हैं और ताज़ीराते पाकिस्तान के तहत औरत के विरासती हुकूक के हवाले से जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी ये वीडियो देखें। इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के आईन 1973 शिक 23 और 24 की रूह से पाकिस्तान के शहरियों को जायदाद की मिल्कियत, हुसूल और तसरुफ के हक की जमानत देता है और किसी भी गैर कानूनी महरूमी से उनकी इमलाक की हिफाजत करता है। बदकिस्मती से अक्सर खवातीन को उनकी जायदाद के हुकूक से महरूम कर दिया जाता है या दस्तबरदार होने पर मजबूर किया जाता है। हम बुनियादी तौर पर शौहर, बहन भाई या वालिदैन की मौत के बाद खवातीन को जायदाद के वारिस बनने के हवाले से उनके हुकूक पर तवज्जो मरकूज करेंगे जो दीगर हुकूक के साथ साथ शामिल हैं। मुसलमानों के लिए इस्लामी विरासत का कानून, कुरान पाक की कुछ आयात और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से अखस करदा जायदाद और विरासत में खवातीन के हुकूक की असास है। पाकिस्तान में किसी शख्स के मजहब या फिरके के लिहाज से विरासत के कवानीन के उसूल कदरे मुख्तलिफ होते हैं और विरासत में मिलने वाली इमलाक की मकदार किसी एक जिन से मुंसलिक होती है। इस्लामी विरासती कानून के मुताबिक जायदाद के कानूनी वरसा मुतवफ़ी के लवाहिकीन होते हैं जिनका ताल्लुक खून के रिश्ते से हो। जहां तक खवातीन का ताल्लुक है तो उनके विरासती हुकूक को तीन अहम दर्जों में तकसीम किया जा सकता है, बेटियों के हुकूक, बीवियों के हुकूक और माओं के हुकूक। आइए अब मिसालों की रोशनी में इन हुकूक की वजाहत करते हैं। अगर एक मरने वाला शख्स अपने पीछे बेटी और बेटा छोड़ता है तो बेटी को जायदाद में से एक तिहाई हिस्सा मिलेगा। अगर मुतवफ़ी की सिर्फ बेटियां हैं और अगर वो सुन्नी मुसलमान है तो तब कुल जायदाद का दो तिहाई दो या इससे ज़ायद बेटियों में बराबर तकसीम होंगे और अगर सिर्फ एक बेटी हो तो वो कुल जायदाद में से आधे की वारिस होगी। अहले तशई में अगर दो या उससे ज़ायद बेटियां हैं तो कुल जायदाद उनमें बराबर से तकसीम कर दी जाएगी और अगर एक बेटी है तो वो कुल जायदाद की वारिस होगी। अगर मुतवफ़ी के बच्चे हैं तब उसकी बीवी को कुल जायदाद का आठवां हिस्सा मिलेगा। अगर मुतवफ़ी के बच्चे नहीं हैं तब उसकी बीवी को कुल जायदाद का 1/6 हिस्सा मिलेगा और माँ बाप को 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। किसी औरत को जायदाद अलग करने और उसे अपने नाम करवा लेने का हक है जो शादीशुदा खवातीन के 1874 के मिल्कियती कानून में भी बयान किया गया है जिसमें शादीशुदा खवातीन से मुतालिक कवानीन की वजाहत और तरमीम शामिल है। वीडियो को शेयर करें और मुहिम में शामिल हों।